हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। यहाँ पे बल्क में अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो जो पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे डी टी की पोजिशन पर वैकेंसी देखने को मिलेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। जी टी की पोजिशन पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। आपको जूनियर इंजीनियर के लिए भर्ती आपको देखने को मिलेगा और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। बल्क में हायरिंग यहां पे होने वाला है। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, सैलरी बहुत ही तगड़ी देखने को मिलेगी। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूं मेरे भाई, लेटेस्ट में अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो वीडियो को लाइक कर देना और लाइक का टारगेट रहेगा आपका 700 प्लस का, बस 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे जो टेक्नीशियन के पद रहेंगे उसके अंदर आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीटी के पदों पर यहाँ पे आपका डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जीटी का पद रहेगा उसके अंदर यहाँ पे जिन्होंने बीबीटेक किया वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर के पदों पर यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, बीबीटेक है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इवन अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। यहां पे अगर आप इंडिया में किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी जो आपकी रहेगी आईटी वालों के लिए जो सैलरी आपको देखने को मिलेगी वो 28,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपकी जो सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने बीबीटेक किया तो आपको 32 से लेकर 35 तक अप्रॉक्स आपको सैलरी देखने को मिलने वाला है। बाकी आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करता है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है और आपको कितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिलेगा। ये जो सैलरी है वो आपका फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहां पे रहने वाला है। और सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, लाइक टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, जाके ज्वाइन कर लेना। यहां पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया वीडियो के अंदर, स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इवन मैंने आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया मिल जाएगा, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई लिंक शो हो जाएगा। मतलब कि वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। बहुत सारे सेक्टर के अंदर वर्क करता है, पावर के अंदर वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर वर्क करता है, आईटी के अंदर वर्क करता है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको जो सेक्टर देखने को मिलेगा वो सीमेंट सेक्टर के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा कुछ टैब ओपन हो जाएगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे इस फॉर्म को फिल आउट करना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको ध्यानपूर्वक डालना है। जो भी आपका नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल आउट कर देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे वही डालनी है जो कि एक्टिव है, ताकि आपका सिलेक्शन हो, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो, तो आपको इसी ईमेल आईडी से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वही ईमेल आईडी डालिएगा जिसको आप रेगुलरली चेक करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका आ जाएगा, करंट लोकेशन आपकी जो भी है वो आप यहां पे डाल दीजिएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे आपको डालना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही डालना है। लाइक अगर आपने आईटी किया है तो आप आईटी डालिएगा, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा डालिएगा, और अगर आपने बीबीटेक किया है तो बीबीटेक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा यहां पे कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, लाइक अगर आपने ऑटोकैड का कोई कोर्स कर रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखा है तो आप यहां पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहां पे सिंपल सा एनए फिल कर सकते हैं। उसके बाद आएगा करंट इंडस्ट्री, तो आपको यहां पे सीमेंट के अंदर वैकेंसी निकाला गया है तो सीमेंट ही आपको चूज कर लेना है।
देन फिर आएगा करंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको कहीं एक्सपीरियंस है, कहीं वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो भी करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे डाल देना है। करंट डेजिग्नेशन, अगर आप करंटली कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो फ्रेशर कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे फ्रेशर लिख देंगे और यहाँ पे करंट डेजिग्नेशन के अंदर भी आप यहाँ पे फ्रेशर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेगा, यहाँ पे पूछ रहेगा कि आपके पास यहाँ पे सीमेंट प्रोजेक्ट कमिश्निंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे 0.00 फिल कर देना, एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा करंट सीटीसी, तो अगर आप करंटली कहीं वर्क कर रहे हैं तो आप अपना सीटीसी यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको यहाँ पे 0.00 यहाँ पे फिल आउट कर देना है। देन फिर आएगा यहाँ पे प्रेफरेंस, लोकेशन को आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रेडी फॉर पैन इंडिया, तो आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम चांस रहेंगे आपके इंडिया में, बहुत सारी जगह इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे आपको जॉब मिलने के, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेडी फॉर पैन इंडिया। उस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड योर सीवी, आपको एड फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, उस पर क्लिक करके आपके जो सीवी है, रिज्यूम है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद फाइनली आपको कर देना है सबमिट, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा, विद इन 15 डे के अंदर आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा। और आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो आपका डायरेक्टली ऑनलाइन माध्यम से आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, गूगल मीट के हेल्प से आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।